वेस्ट जिला पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का भांडाफोड़ किया है। एक चोर ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन लेता था, दूसरा चोर वाहन टो करने वाली क्रेन का ड्राइवर बन जाता था और फिर ये सरेआम महंगी कार को गलत पार्किंग या किसी भी कानून का हवाला देकर उठा ले जाते थे। पकड़ में आए आरोपी का नाम विकास है। विकास के अलावा दो स्क्रैप डीलर भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके यहाँ पर इन गाड़ियों को काट कर पार्ट्स बेच दिए जाते थे। दरअसल वसंत कुंज बी ब्लॉक के रहने वाले एक शख्स ने थाने में शिकायत दी कि 15 मई को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस में आया एक युवक उनकी टोयोटा गाड़ी को क्रेन से उठा ले गया। थाने में गाड़ी मिली नहीं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। डीसीपी साउथ वेस्ट जिला रोहित मीणा ने बताया कि जिस जगह से गाड़ी चोरी की गई थी वहां से उस क्रेन के रूट को लगातार स्कैन किया गया तो जांच में पता चला कि चोरी की कार को कंछावला के स्क्रैप डीलर के पास छोड़ा गया है। पुलिस ने पहचान करने के बाद जब क्रेन के ड्राइवर को पकड़ा तो पता चला कि एक युवक ने खुद को ट्रैफिक पुलिस वाला बताकर क्रेन बुक की थी। ये भी बताया कि टो करने के बाद कार को उसने कंझावला के एक स्क्रैप डीलर के गोदाम पर छोड़ा था। इसके बाद पुलिस टीम ने कंझावला इलाके में छापा मारा और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र के गोदाम से दिल्ली पुलिस को कार के सिर्फ बॉडी मिली क्योंकि उसने इसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच दिया था। पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि यह गाड़ी उसके पास चोरी करके कुसुमपुर पहाड़ी के रहने वाले अजय ने बेची थी। इसके बाद पुलिस टीम कुसुमपुर पहाड़ी पहुंची और वहां से 29 साल के अजय को गिरफ्तार कर लिया। अजय के पास से पुलिस ने वह ट्रैफिक पुलिस की वर्दी भी बरामद कर ली जिसको पहनकर वह सरेआम लोगों की गाड़ी उठा लिया करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।